हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप पूरे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल रहे हैं आप। तो आज हमारा 21 दिन के लॉकडाउन का 5वां दिन है और हमारा 5वां ध्यान प्रयोग आज हम करने जा रहे हैं। ये ध्यान प्रयोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सब लोगों को पसंद आएगा। इस ध्यान प्रयोग में हमें क्या करना है, अपने अवधान को हमें अतीत की किसी ऐसी घटना में ले जाना है जहाँ आप अतीत की कोई घटना देख रहे हैं। अतीत की कोई घटना आप देख रहे हैं और अपने शरीर को भी देख रहे हैं और आप रूपांतरित हो जाते हैं। मतलब आप अपने अतीत में, अपने पास्ट में कोई भी घटना देख रहे हैं, जैसे आप अपने बचपन की, अपने चाइल्डहुड की कोई भी दिन, कोई भी ऐसी अच्छी घटना जो आपको याद हो, अच्छी बुरी कैसी भी, मतलब कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना, उसको आप पूरा देखेंगे। या अगर आप प्रेम में हैं या कभी थे, तो आप जब भी अपने प्रेमी को या प्रेमिका को पहली बार मिले थे, तो वो जो घटना थी आप उसको देख सकते हैं पूरे का पूरा, शुरू से एंड तक। या किसी के माता पिता की मृत्यु हुई हो, कोई ऐसा दिन हो, उस घटना को भी आप देख सकते हैं पूरा इसमें, इस ध्यान में। मतलब आपको अतीत की कोई भी घटना लेकर उसको पूरी तरह से देखना है। तो उसको देखने के लिए लेकिन दो बातें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो ये बात है कि आपको उस घटना को इस तरह से देखना है जैसे कि आप उसको जी नहीं रहे हो दोबारा से। आप इस तरह से उस घटना को देखेंगे जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं। आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर वो घटना देख रहे हैं, या मान लीजिए आप प्रेमी प्रेमिका वाली घटना देख रहे हैं, तो प्रेमी ने आपकी तारीफ कर दी या प्रेमिका ने आपकी तारीफ कर दी, तो आपको खुश हो जाना है या कुछ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो कोई और दो लोग हैं। एक ने दूसरे की तारीफ की, आप तो बाहर खड़े हैं, आप तो दृष्टा हैं, साक्षी आपको होना है। आप साइड में खड़े होकर देख रहे हैं, भले ही वो आप अपनी ही घटना को देख रहे हैं, लेकिन आप ऐसा देखेंगे कि जैसे कोई मूवी देख रहे हैं आप। वो किसी प्रेमी ने किसी प्रेमिका की या प्रेमिका ने प्रेमी की तारीफ की है, तो आपको उसमें खुश नहीं हो जाना है। बचपन की अगर आप घटना देख रहे हैं, आप गिरे थे, आपको चोट लगी थी, तो अभी वो दर्द नहीं होगा। आप एक बच्चे को चोट लगी है इस तरह से देखेंगे, या आपको ये इस तरह की घटना रिकॉल कर रहे हैं, किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया था, तो अभी से आपको गुस्सा नहीं हो जाना है, क्योंकि वो हो चुका है। वो तो तब आप गुस्सा हो चुके होंगे, या कुछ कर दिया होगा या नहीं किया होगा, जो भी, वॉट एवर इट वॉज, लेकिन वो जा चुका है। अभी आपको देखना है कि किसी ने किसी की इंसल्ट की थी। मतलब इस पिक्चर से आपको, जबकि आपका ही पास्ट है, लेकिन उससे आपको बाहर रहना है। अगर माता पिता की मृत्यु वाला आप सीन देख रहे हैं, तो तब भी आपको अभी सैड नहीं हो जाना उस तरह से। वो आप यही देखेंगे कि किसी के माता या पिता की मृत्यु हुई है, इस तरह से देखेंगे। तो एक बात तो ये है कि आपको इस पिक्चर में से एक फिल्म की तरह देखना है इसको, दृष्टा बनकर देखना है और इससे बाहर रहना है आपको। और दूसरी बात जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट, आपने इसको उल्टे क्रम में देखना है। उल्टे क्रम में मतलब सुबह से शाम तक नहीं, शाम से सुबह तक आपको जाना है। जैसे सपोज आप किसी लव अफेयर का वो लेते हैं, इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल एक छोटी सी बना लेते हैं। आप सुबह उठे, आप तैयार हुए, आप अपने प्रेमी प्रेमिका को मिलने के लिए, अपने फ्रेंड को मिलने के लिए गए, कोई मूवी देखने गए, या कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम सुनने के लिए गए, या कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए गए, फिर आपने खाना खाया, फिर आप अपने अपने घर चले गए। आने के बाद आपकी फ़ोन पे बात हुई, जैसे भी, कि हाँ अच्छा लगा मिलके या जो भी था। तो जब आप इसको रिकॉल करेंगे, तो आप किस तरह से रिकॉल करेंगे, लास्ट आपकी फ़ोन पर बात हुई थी, अगर तो आपकी एक आधा मिनट बात हुई थी तो ठीक है, अगर आपकी लंबी बातें दो घंटों तक बात होती रहती, तो लास्ट की बातें आप, आखिर वाली बातें आप पहले सोचेंगे, फिर उससे पहली वाली बात, फिर आप घर आए थे, फिर देखेंगे आप क्या आपने साथ साथ में खाना खाया था, उससे पहले आपने फिल्म देखी थी, या बगीचे में घूमने गए थे, या फंक्शन में, या म्यूजिक, वट एवर इट वॉज, जहाँ भी गए थे आप, वो आप देखेंगे। उससे पहले आप जा रहे थे मिलने के लिए, उससे पहले आप तैयार हो रहे थे, उससे पहले आप सोच रहे थे कि मुझे कैसे जाना है कैसे नहीं, तो उसमें आप अपने शरीर को देखेंगे, जो
वो तब थे या आप जैसे भी थे, वो आज से अलग थे। हो सकता है वो घटना 10 दिन पहले ही हुई हो, 2 दिन पहले ही हुई हो सकता है वो 20 साल पुरानी बात हो। तो तब आपका हेयर स्टाइल अलग होगा, आपके बाल अलग होंगे, आपकी ड्रेस अलग हुई होगी, आपका मूड अलग होगा, आपके पूरे फीचर्स अलग होंगे, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो आपने उसको देखना है जैसे तब आप थे। अगर आप बचपन की घटना देख रहे हैं तब आप इतने से रहे होंगे, तो आप बड़े नॉटी उसमें होंगे, कपड़े आपके छोटे छोटे होंगे, जैसा भी आप देख रहे हैं। तो आपको उसको देखना है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज़ इमेजिन करनी है, एक फिल्म की तरह आप उसको देखेंगे अपने शरीर को, क्योंकि वो तभी आप उस चीज़ को देख पाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि आप वहाँ हैं। अगर आप यही सोच रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ, तो फिर आप वहाँ पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये रास्ता मतलब इस तरह से नहीं जाता है, उल्टा इस तरह से आता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मेथड है, ये विधि है। बुद्ध ने इसका बहुत अच्छा यूज़ किया है। ये एक्चुअली मन की परतें उनको उधेड़ने के लिए, उससे पार होने के लिए बहुत अच्छी विधि है। इसको आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत पास्ट की जो घटना है उसको नहीं आप लेना चाहते हैं, आप आज के दिन की भी घटना ले सकते हैं। जैसे आप सुबह उठे थे, आप चलिए आजकल तो थोड़ा कोरोना चल रहा है तो कोई नहीं कहीं जा रहा है, तो आपने जो भी किया होगा, नहीं तो आप ऑफिस गए थे फिर आप वापस आए थे, अब भी आप घर में हैं तो आप उठे थे सुबह, आपने चाय पी थी या जो भी किया था, फिर आपने थोड़ा सपोज मेडिटेशन किया था, ध्यान किया था या पूजा पाठ जो भी आप करते होंगे, फिर आपने नाश्ता किया था, फिर आपने बगीचे में आप टहल रहे थे या आप कोई बात अच्छा कुछ पढ़ रहे थे या सुन रहे थे या किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे, फिर आपने खाना खाया था, फिर जो भी आपका, फिर शाम की चाय पी थी ऐसे। तो जब आप इसको, एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारा मन जो है उसमें एक फाइलिंग होती चली जाती है। सुबह आप उठे, आप घर से निकले तो फाइल हो गई, फिर आप ऑफिस पहुँचे, रास्ते में कोई ट्रैफिक में प्रॉब्लम आई, कुछ भी हुआ, वो एक बात मन में जुड़ गई है, परत एक बन गई है। फिर आपने कुछ काम किया, कुछ थोड़ा सा किसी बात पे गुस्सा आया, परत बन गई है। फिर कोई मीटिंग हुई, उसमें कहीं कोई इंसल्टिंग हो गया या कुछ बहुत टेंशन है, ट्रबलसम कुछ ऐसी बात हो गई, तो वो एक फाइलिंग होती जाती है। तो जैसे हम क्लब करते जाते हैं चीज़ों को, तो उसको खोलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम ऊपर की चीज़ निकालें, फिर नेक्स्ट पेज। तो इसलिए हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। आपने शाम की चाय पी, तो उससे पहले अगर आप घूम रहे थे या फ्रेंड से बात कर रहे थे, उससे पहले अगर आप खाना खा रहे थे, उससे पहले आप मेडिटेशन कर रहे थे, व्हाटएवर, मतलब आए उल्टे क्रम में आपको चलना है। तो दो बातों का आपने ध्यान रखना है, इन दो बातों को। अब ये करना कब है आपको, ये ध्यान आपको रात को सोने से पहले करना है। आज जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटेंगे, जब आपको बिल्कुल गहरी नींद आने वाली होगी, उससे थोड़ा पहले आप ये कल्पना करना शुरू करेंगे, भाव करना शुरू करेंगे, वो सारी चीज़ों को जीना, और साइड पर रहकर उसको जिएंगे आप, और उल्टे क्रम में करते जाएंगे। बहुत ही प्यारा ये मेथड है, साक्षी होने के लिए, दृष्टा होने के लिए, मन के पार जाने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बट बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत शक्तिशाली विधि है। इसको कीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होती है एक और अच्छी सी नई विधि के साथ। अपनी फीडबैक देते रहिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। कल मिलते हैं आपसे, थैंक यू।